नमस्ते, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। और दोस्तों, हम लाए हैं एक वीडियो, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में कुछ खास होने जा रहा है। और आप लोग, ये शादी का वीडियो है, हम बनाए थे और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आपको बता दें, इस शादी में हमारे साथ बहुत बहुत गलत हुआ। और दोस्तों, आपको बता दें, बात ये हुआ कि हम शादी में गए तो थे, लेकिन हमारी बाइक ही उस दिन शाम को खो गई। और हम प्रिंस पापा को इतना टेंशन हो गया, इतना परेशान हो गए कि उनको जैसे धड़का धर लिया उन्हें, और हमें भी एकदम से घबरा रहे थे। जब तक हमारी गाड़ी हमें वापस नहीं मिली, तब तक हमारा कुछ ना खाना ना पीना कुछ नहीं सूझा। आधे घंटे तक हम ऐसे ही आधे घंटे तक इधर उधर ढूंढते रहे गाड़ी को, लेकिन मिला नहीं। और इधर लड़की की विदाई की तैयारी होने जा रही थी। आचा ढरवा आप लोग जानते ही हैं, आचा ढरवा क्या होता है। आचा ढरवा का सामान भी देना था और वो ला के रखे ही थे, लेकिन आचा ढरवा का सामान देना था तो, लेकिन इस समय ये सब कांड हो गया हमारे साथ। और इसके गाड़ी के आगे मुझे कुछ नहीं सूझा कि मैं इधर क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ ये, अब दोस्तों आपको बता दें, ये हमारी दूसरी गाड़ी है और पहली गाड़ी हमारी मड़ई में जल के राख हो गई थी बिल्कुल। और ये दूसरी गाड़ी है जो कि हमने बड़े मुश्किल से इस गाड़ी को ख़रीदा था, और ये भी खो उस समय अगर खो जाता तो हमें बहुत बहुत टेंशन हो जाता दोस्तों। और फिर हम गाड़ी कभी ज़िंदगी में ख़रीद नहीं सकते, हमारे पास उतना है नहीं कुछ। तो दोस्तों, हमारे प्रिंस के पापा तो एकदम से घबरा गए थे। मैंने सोचा था अगर ये बंदा दे आ गया लेकर गाड़ी वापस, तो बिना मारे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन जब आधे घंटे के बाद पता चला कि वो इन्हीं के घर के रिश्तेदार ही था, वो लेकर गया था, तब वो जब आया मैंने उसे देखा। और प्रिंस के पापा हमारे तो कहीं और ढूंढने गए थे गाड़ी को, मैं उन्हीं के घर पर ही थी जिसके यहाँ शादी था। अंदर बाहर आके देख रही थी गाड़ी आया कि नहीं आया, और जब आया तो मैंने उसे खूब खड़ी खोटी सुनाई, खूब सुनाई, और मारने को भी तैयार हो गई थी। लेकिन पता चला कि इनके घर के रिश्तेदार था, चलो शुक्र मनाओ, वो तो आ गया लेकर, नहीं तो खो जाता तो क्या होता, आप ही सोचो। तो इसलिए भगवान के दुआ से मिल गया गाड़ी, वही बहुत है। और दोस्तों, यही एक कहानियाँ, हम जैसे गाड़ी मिली अच्छे ढरवा कर और क्या, हम अपन खावा क्या, उसके बाद हम अपने घर ही आए रात को 7-8 बजे करीब, 7:30 बजे करीब अपने घर आए लौट कर। और उसके बाद हम खाए पिए, सोए, लाइव भी आए थे उस दिन रात को। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा कुछ और है इसमें, ज़रूर देखिएगा एंड तक, ठीक है? बाय बाय। हमारा उम्र हो जी, आप नहीं मिला।